हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा इलेक्ट्रिक एयर पंप बनाकर दिखाने वाला हूँ गाइज, जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगा फ्रेंड्स आपकी डेली लाइफ में। अगर गाइज आपके साइकिल में पंचर हो गया है, आपकी फुटबॉल में फ्रेंड्स एयर निकल जाती है, आपकी मोटरसाइकिल में फ्रेंड्स एयर निकल जाती है, तो यार उससे डलवाने के लिए फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है गाइज। काफ़ी ज़्यादा हम दूरी पर लेके जाते हैं उसको दुकान पर, तब फ्रेंड्स जाकर उसमें हवा पड़ती है। तो गाइज आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है उसके अंदर हम खुद घर पर एक ऐसा फ्रेंड्स मशीन बनाएंगे जो आपकी गाड़ी, आपकी फुटबॉल, आपकी मोटरसाइकिल में फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर एयर को बनाएगी और ऑटोमेटिकली उसमें एयर फिल कर देगी। तो फटाफट गाइज करते हैं इस वाली वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को फिर धमाकेदार होने वाली, इसलिए चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यार इस तरह की अगर वीडियो देखनी है तो बिना चैनल को सब्सक्राइब किया कैसे देख पाऊंगा। तो फटाफट गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर दबा देना। तो फटाफट करते हैं इस वाली वीडियो को स्टार्ट। धानु एक्सपेरिमेंट। तो गाइस इसे बनाने के लिए यहाँ पर लिया है मैंने एक एयर प्रेशर पंप, जो कि गाइस आपको लोकल मार्केट में 100 से 150 रुपए के आसपास गाइस आपको ये मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर फर्स्ट में हमें इसे लेना है, और जो सेकंड चीज़ लेनी है गाइस वो यहाँ पर लेनी है हमारे लिए फ्रेंड्स इतनी बड़ी जो हवा डालने की फ्रेंड ट्यूब आती है उसका आपको फ्रेंड्स यहाँ पर 10 रुपीज़ की मिल जाएगी फ्रेंड्स, जहाँ पर साइकिल का रिपेयर का सामान मिलता है। और गाइस यहाँ पर ये चीज़ हो गई, और हमें इसे यहाँ पर फ्रेंड्स इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर हमने फ्रेंड्स एक लकड़ी का पीस ले लिया है, इस पर हम इसे कुछ इस प्रकार से लगाने वाले हैं गाइस। अब यहाँ पर गाइस मैंने एक यहाँ पर मीटर लिया है जो कि हमें बताएगा कि हमारे फ्रेंड्स हवा है वो कितनी यहाँ पर आउटपुट दे रही है, और फ्रेंड्स अगर ट्यूब में हवा ज़्यादा या कम होगी वो यहाँ पर सब पता पड़ जाएगी गाइस। तो यहाँ पर इन तीनों कंपोनेंट्स की सहायता से यहाँ पर गाइस हम एक इलेक्ट्रिक एयर पंप बनाएंगे। तो फटाफट से गाइस यहाँ पर इसको कुछ इस प्रकार से हमें लगा लेना है, और इसको गाइस यहाँ पर हमें यहाँ लगाना है। गाइस यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ यहाँ पर। अब गाइस यहाँ पर ये देख रहे हो, ये है फ्रेंड्स हमारे लिए यहाँ पर एयर के लिए बताएगा कि कितनी एयर हमारे जो फ्रंट टायर है या हमारा जो गुब्बारा है फ्रेंड्स उसमें कितनी एयर फिल हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पर हम इसको कुछ इस प्रकार यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर गाइस हमें इसे एयर टाइट लगाना है, यानी गाइस इसे एयर प्रूफ बनकर। तो यहाँ पर गाइस अगर यहाँ पर थोड़ी भी लीकेज होगी तो यहाँ पर जो एयर है वो निकल जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा फ्रेंड्स इस पर पहले फेविक्विक लगा देता हूँ, जिससे फ्रेंड्स इसकी जो मजबूती थोड़ी यहाँ पर बन जाए। उसके बाद फिर गाइस हम यहाँ पर एयर टाइट से इसको यहाँ पर फिक्स कर देंगे, यहाँ पर गाइस कोई भी यहाँ पर एयर का इशू ना हो, जिससे फ्रेंड्स बाद में यहाँ पर एयर निकल जाए। तो यहाँ पर गाइस यहाँ पर ये सूख चुका है, अब यहाँ पर इसे एयर प्रूफ बनाने के लिए फटाफट फ्रेंड्स हम इसको भी लगा देते हैं। इसमें कुल मात्रा में दोनों को निकाल लेते हैं गाइस, और यहाँ पर इसे दोनों को मिक्स करके यहाँ पर इसके फ्रेंड्स यहाँ पर नोजल पर इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर इसे लगा देंगे, जिससे यहाँ पर कोई भी इशू फ्रेंड्स एयर का ना हो। तो यहाँ पर गाइस ये सूख चुका है, और यहाँ पर मैंने इसमें फ्रेंड्स एक लीड भी यहाँ पर लगा लिया फ्रेंड्स, जो कि मैंने आपको शुरू में बता दिया। अब यहाँ पर गाइस फोर टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर एक गुब्बारा यहाँ पर टेस्ट करके दिखा रही हूँ गाइस। यहाँ पर देखना गाइस यहाँ पर कितनी अमेजिंग तरीके से यहाँ पर इसमें एयर के लिए फिल कर दे। तो फटाफट से गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, तो गाइस आप यहाँ पर देखना यहाँ पर जो गुब्बारा है वो कितनी तेज़ी से यहाँ पर फ्रेंड्स हवा भरे उसमें। गाइस यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा गुब्बारा है वो यहाँ पर थोड़ी देर में इतने यहाँ पर किस्ते ज़्यादा यहाँ पर फुला दिया है गाइस। तो यहाँ पर गाइस अब यहाँ पर इसको निकाल देते हैं, अब यहाँ पर फ्रेंड्स इसको टेस्ट करेंगे हमारी जो बाइक है गाइस उसमें। तो यहाँ पर गाइस मैं यहाँ पर ले लेता हूँ उसको, और यहाँ पर गाइस इसकी जो लीड है उसको यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर जैसे ही मैं लगाऊँ तो आप मल्टीमीटर में यहाँ पर जो इसका मीटर है उसमें देखना है यहाँ पर ये कितनी तेज़ी से ऊपर उठ गई है। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो ये करीब 40 पर यहाँ पर पहुँच गई है। तो इस टायर में फ्रेंड्स इतनी हवा यहाँ पर है। अब यहाँ पर गाइस हम इसको लगा कर इसमें देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो हवा है वो धीरे धीरे यहाँ पर पड़ेगी। तो गाइस यहाँ पर धीरे धीरे हवा यहाँ पर फिल अच्छी तरीके से कर देगी।